22 सितंबर को हुई एक घटना में सामने आया कि आरोपी शोहेब अब्दुल खान उम्र 29 साल के युवक ने 3-4 साल से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाकर युवती को गर्भवती किया। युवती 10 अगस्त को 6 माह की गर्भवती थी। आरोपी ने युवती का गर्भपात करवाने के लिए उसे गोली दी। उस गोली से बच्चा पेट में ही मर गया। घर में यह बात किसी को पता ना चले और डॉक्टर के पास ना जाते हुए घर में ही यूट्यूब की सहायता लेकर गर्भपात की प्रक्रिया कर उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। उसकी वजह से युवती को बहुत पीड़ा होने लगी। यह बात घर में पता चली और युवती को अस्पताल में दाखिल किया गया। नमस्कार, मैं सीनियर पीआई संजय यादव, यशोधरा पुलिस स्टेशन। दिनांक 22/9/21 रोजी आमच्याकडे एक माहिती मिळाल्यावरून फिर्यादीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला। त्याची ती हकीकत आहे की एक आरोपी सोहेब अब्दुल वहाब खान याचा एका मुलीला त्याने मागील अनेक वर्षापासून कुठल्या ना कुठल्या कारणाने संबंध प्रस्थापित करून बळजबरी करून संबंध प्रस्थापित केले होते। त्यातच ती मुलगी प्रेग्नंटशी झाली होती आणि प्रेग्नंट झाल्यानंतर ती गोष्ट तिने काही घरी करवली नव्हती, घरी कोणालाही माहिती नव्हती। मागील 10/8/21 रोजी तिचं ते 6 महिन्याचं मुलाचं प्रेग्नन्सी होती। तिचं काही कारणाने प्रेग्नन्सीला मिस झाली होती आणि ती गोष्ट घरी कोणाला कळू देऊ नये, कोणाला समजू नये याकरता तिने त्याचं काय करायचं या प्रश्नामध्ये त्या सोहेब आरोपी आणि त्यांनी त्या माहिती घेऊन यूट्यूबला चॅनल पाहिलं, त्या यूट्यूबमध्ये कसं करायचं याची माहिती घेतली आणि त्याप्रमाणे त्या मुलीने तिच्या घरी कोणी नसताना तिने एकटीनेच ते सर्व केलेलं आहे। ही घटना सत्य आहे। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में यशोधरा थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। बीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।